नमस्कार दोस्तों, आज हम महात्मा गांधी के बारे में जानने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जन्म, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को गुजरात पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। बचपन, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी माँ ने एक बच्चे के रूप में प्यार किया था और उनका उपनाम मोन्ना था। एक बार उन्होंने एक नाटक राजा हरिश्चंद्र देखा जो उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। उन्होंने नाटक से सच्चाई और ईमानदारी का मूल्य सीखा और जीवन भर उसका पालन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार गांधी जी ने अपने ही घर से सोना चुराया था। वह कर्ज में डूबा हुआ था जब उसने सोना चुराने का फैसला किया। लेकिन इस बीच वह इतना दोषी महसूस कर रहे थे कि उसने एक पत्र लिखकर अपने पिता को दे दिया। पत्र पढ़ने के बाद गांधी जी के पिता ने ना तो उन्हें चिल्लाया और ना ही पीटा, बल्कि पत्र को फाड़ दिया। वयस्क जीवन, गांधी जी ने कस्तूरबा बाई से विवाह किया और आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। बैरिस्टर बनने के बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहना शुरू किया। उनके जीवन में ट्रिगर बिंदु, दक्षिण अफ्रीका में जब वे एक प्रथम श्रेणी के कोच में यात्रा कर रहे थे जो ब्रिटिश अधिकारियों से भरा हुआ था, तो उन्हें अपने राष्ट्रीयता और त्वचा के रंग के कारण ट्रेन से नीचे उतारने के लिए मजबूर होना पड़ा। तभी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए लड़ने का फैसला किया और सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। वे वहाँ 21 साल तक रहे। दरअसल जिस स्टेशन पर उन्हें उतारना पड़ा वहाँ अब उनकी मूर्ति लग गई है। जब वे भारत वापस आए तो उन्होंने साबरमती नदी के पास एक आश्रम बनाया जिसका नाम सत्याग्रह आश्रम रखा गया। उन्होंने न केवल भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी बल्कि एक सच्चे भारतीय के रूप में उन्होंने कई अन्य सामाजिक बुराइयों जैसे अस्पृश्यता, गरीबी, अक्षमता के खिलाफ भी बात की। महात्मा गांधी के जीवन कथा। गांधी ने भारत के ग्रामीण लोगों के साथ पहचान के संकेत के रूप में हाथ से बुने हुए धागे से बुनी गई एक छोटी धोती पहनना शुरू कर दिया। उन्होंने एक आत्मनिर्भर आवासीय समुदाय में रहना शुरू कर दिया और सादा भोजन खाने के साथ साथ सार्वजनिक विरोध के रूप में लंबे समय तक उपवास किया। 1930 में गांधी ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कर का विरोध करने के लिए 400 किलोमीटर की दंडी नमक यात्रा की और अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आह्वान किया। दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों में उन्हें कई बार और लंबे समय तक कैद किया गया था। मार्च 1931 में गांधी और इरविन ने गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन के बदले में ब्रिटिश सरकार सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के लिए सहमत हो गई। संधि के अनुसार गांधी को लंदन में गोलमेज सम्मेलन में चर्चा के लिए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र नेता का रूप में बुलाया गया था। आंदोलन, गांधी के कुछ प्रसिद्ध आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, हिंद स्वराज, दंडी मार्च, स्वदेशी आंदोलन, सत्याग्रह आदि। उन्होंने हमेशा अपने देशवासियों को सत्य और सद्भावना का मार्ग दिखाया, अहिंसा के मार्ग का अनुसरण। पूरे इतिहास में हमने उन महान योद्धाओं के बारे में पढ़ा है जिन्होंने अपने देश की महिमा को बचाने के लिए हथियारों और गोला बारूद से लड़ाई लड़ी। लेकिन इन सब के बीच एक महान नेता है जो बिना किसी हथियार के लड़ने और अहिंसा के रास्ते पर चलने का चुनाव करता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अहिंसा के मार्ग का अनुसरण किया। वे मोहनदास करमचंद गांधी थे जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता था। गांधी जी के तीन बंदर, हम गांधी जी के तीन प्रसिद्ध बंदरों को कैसे भूल सकते हैं। ये वहाँ के बंदर हमें जीवन के सबक बताते हैं। पहला कहता है बुरा मत देखो, दूसरा कहता है बुरा मत कहो और तीसरा कहता है बुरा मत सुनो। बापू ने हमेशा इन विचारधाराओं का पालन किया। उनके मजबूत सिद्धांतों के कारण उनकी प्रशंसा की गई और उनके अहिंसा और ईमानदारी के मार्ग पर चलने वाले किसी व्यक्ति को भी प्रशंसा की गई। निरसंदेह महात्मा गांधी
सबसे निसंदेह महात्मा गांधी सबसे महान और प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए उन्होंने राष्ट्रपिता की उपाधि अर्जित की।